अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी इस तरीके के जो गले बने हुए होते हैं सेल्फ प्रिंटेड या एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए जो गले बने हुए होते हैं, हमने बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके का गला किस तरीके से निकालना है। ये सिंपल राउंड है, अगर डिज़ाइन वाला भी गला हो तो इस तरीके से बहुत ही आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा आपका गला होगा। हमने इसके ऊपर कमीज़ के ऊपर अपनी बुकरम रखनी है, हमें गला एग्जैक्ट दिख रहा है कि किस तरीके का है, हमने उस पर निशान लगा लेना है और एक इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बुकरम को काट लेना है। अब ये देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट गला हमारा निकल के आया है। हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पे प्रेस कर लेना है और साइड में जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको स्टिच कर लेना है। अब इसको जो है ना फ्रंट साइड पे नेक के रखना है, हमने जिस तरीके से नॉर्मली गला पलटते हैं इस तरीके से रख के, और इसको जो है सिलाई कर देनी है। फ्रंट साइड पे उल्टा गला रखना है और सिलाई कर देनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो बीच में सिलाई भी लगा सकते हैं, इससे काम बहुत इजी हो जाता है। स्टिच करने के बाद हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक के बीच का उसको हमने कट कर देना है ताकि ये पलट जाए, और यहाँ पे कट लगाने हैं। कट लगाते हुए बहुत ख्याल रखना होता है कि हमारी सिलाई ना कट जाए। कट्स लगाने के बाद हमने इसको पलटना है और प्रेस कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल सफाई से एग्जैक्ट वही गला बन गया है जो गला था। अगर डिज़ाइन वाला भी होगा ना, ये सिंपल राउंड है, अगर डिज़ाइन वाला भी होगा ना तो ये बहुत इजीली आराम से बन जाएगा, बहुत आराम से इस तरीके से गला बन जाता है। ये देखें, ये मेरे ड्रेस की फाइनल लुक है। ये मैंने फ्रॉक बनाया था, फ्रॉक स्टाइल अम्ब्रेला स्टाइल, और बैक नेक पे इसकी लूप्स बना के डोरी बनाई थी और जो है इसमें टसल लगाए थे, फैब्रिक के टसल बना के ही लगाए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।